सौ रुपए जमे डालो ले दो धंधा बना ले पूरा काम हो हजार रुपये चालू रहेगा पैसे तो पुलिस वाला रहता हूँ बिल्डिंग चार महीने के लिए ट्राफिक बोली गाने भाई कहाँ हैं नहीं भाई आप करो पिए हुए हैं लोग ठीक है भाई उनको बुक करो आप करो अंदर गाड़ी खड़ी पकड़ के लाके गाड़ी करना है तो नाम ही दो सौ रुपये जुर्माना भर दे नहीं एक ही दिन बच्चों की कल सुबह में आप परेशान हो जाएंगे आगे बढ़ जाऊंगा मैं साफ जो गाड़ी बोल रहे तब तक आपका पूरा कंप्लेंट है राइटिंग में ले दूंगा कल 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 छोड़ देते आप बोलो गाड़ियों पर अच्छा आप सुबह में छोड़ दे भाई भाई आरा ना कोई नहीं मारना भाई आरा ना कोई नको मारो सलाम भाई साहब बोले नको मारो कैमरा मारो भाई बड़ा भाई प्लीज प्लीज आप बैठो आप बैठिए साहब आप बैठो कौन है अरे
भाई सुनो, अरे कौन एक एक रुपया दो दो रुपये कम मेहनत करके कमाना आने लगे उससे भी पैसा सो जाए पकड़ रहे भाई दो पकड़ दो को पकड़े चार को पकड़े जमा हो जाना भाई जब पूरे चलो बड़े भाई चलिए जो चलिए भाई चलो आटो ऑटो वाले कहा नीचे पकड़ो हाँ पकड़ लो चलो पकड़ लो निकाल लो पुराना पुल दरवाजे के पास आज रात में 10 बजे के बाद से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अंधाधुंध चालानात कर रहे थे और मैं यहाँ रास्ते मुझे भी टेलीफोन आए दावतों में जा रहा था इतला मिली तो आगे देखा तो कोई बच्चे जो सो गाड़ी उधर रखे दूसरों से बात कर रहे हो गाड़ी लारी में रख के भी जाती है ऐसे बेचुके और जो सो छूटे चालान आज करे पिए हुए है लोग उनको चालान करे उनको चालान कीजिए हम उसमें बीच में नहीं आते बेकसूर लोगों को और ऑटो में लेडीज जा रही लेडीज को उतार के ऑटो वालों को चालान कर रहे ये कोई किसी तरीके से भी कमिश्नर का ऑर्डर नहीं है कि सवारी रहने के बाद उतार के चालान करने का कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ आकर हम एहतजाज करें और एसीपी ट्रैफिक की सभाओं से बात करें जो बेकसूर लोगों को चालान करें उनके चालान वापस लेके उनकी गाड़ी छोड़ने का मुतालबा करें अलहमदिल्ला बात करें गाड़ी हमको छोड़ने के लिए गए हैं बोलगा और जो पिए हुए हैं उनके लिए चालान कम करो बोले लेकिन पीने वालों को जितना बढ़ के करे अच्छा है गाड़ी चलाते वक्त नहीं पिए तो उनकी भी हिफाजत होती उनके घर वालों की भी हिफाजत होती उनके लिए हम तायद नहीं करेंगे लेकिन जो बेकसूर लोगों को बुक करे उनकी गाड़ियां सीज करे वो गाड़ियां रिलीज कराए उनके लिए बात करे और आइंदा से ये चौरस्ते पे करना है तो जो खुसूरवार है उसको चालान करो बेखुसूरों को चालान करेंगे तो इससे बड़ा एहतजाज करेंगे हम मेरे साथ हमारे मोगलपुरा कारपोरेटर मुकरम अली साहब हमारे पार्टी के वर्कर भी है सुधाकर भी है अब्दुल रहीम भी है ये लोग लेकिन और गाड़ियां रिलीज करने इंस्पेक्टर साहब गए हम आदमियों को साथ दे के भेजो हमें आइंदा से आवाम से भी ख्वाहिश है कि वो पी के गाड़ी मत चलाए अपनी जिंदगी अपनी जान की हिफाजत करे डॉक्यूमेंट साथ रखे चालान का मौका पुलिस को मत दे और पुलिस से कहूंगा कि बेकसूर लोगों को चालाना झूठे चालाना करना बंद करें इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे शुक्रिया।